सलमान खान के खिलाफ की है। मैं विवेक ओब्रॉय हूँ और मैं इंशाल्लाह सलमान खान को लेके जाऊंगा। जो है ना, उसको बहुत शौक है लोगों की बेइज्जती करने का और वहाँ पर बुलाकर कंटेस्टेंट को क्या करना है, मेरी रिपोर्ट निकालूंगा। तू मेरी रिपोर्ट निकालेगा, मैं तेरे को चैलेंज दे रहा, तेरी रिपोर्ट तो हमारे पास है और ये मेरी बहन लड़ेगी। और सुन ले, तू तेरी मैंने इज्जत रखा कैमरे के ऊपर, तूने पूरी दुनिया के सामने मेरी इज्जत उतारा ना। मल्ला डॉन, मैं डॉन नहीं हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ। और एजाज खान है ना लुक्का, तो लीड में आया मेरी पिक्चर में। तू साइड रोल में आया था फारूक शेख के, इसमें उसका भाई बन के आया था। तेरे को ओपन चैलेंज देता, तेरे को जो करने का कर ले जुबैर खान के खिलाफ। और जुबैर खान को और मेरी बहन लोग को, हम लोग के घर के मर्द तो बाद में उतारूंगा तेरे खिलाफ, पहले मेरी बहन लोग लड़ेंगे ना। मैंने कहीं पे भी ये बोला, कलर चैनल ने मेरी इमेज खराब करी कि मैं फलाना फलाना का दामाद हूँ। मैं नाम नहीं लेता, मेरा एक आर्टिकल छपा, उसके बाद मेरी जिंदगी 2011 से बर्बाद हो गई। मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ, मैं अंडरकवर रिपोर्टिंग करता हूँ और मैं छाती ठोक के बोलता हूँ कि मैं जर्नलिज्म का हिस्सा हूँ और उनका पार्ट हूँ। मैं सलमान खान के खिलाफ आखिर तक लड़ूंगा। और जिस तरह कलर ने मेरी इमेज खराब करी है, सलमान खान ने जो हरकत की है, मैं उसके खिलाफ जाऊँ। उसने मुझे धमकी दी, कुत्ता बनाऊंगा, कसम खुदा की तेरे को मारूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। ये सारी कंप्लेंट है, ये लोनावला पुलिस स्टेशन में भी फैक्ट हुई है। अगर मैं सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करता तो मुझे बिग बॉस हाउस से निकलने नहीं दिया जाता। मेंटल टॉर्चर है वहां पर, जितनी भी फालतू चीजें होती है वो की जा रही है। उसके खिलाफ अगर जुबैर खान आवाज उठाता है तो वो लोग बोलते गाली दे रहा है। भैया वो गाली के पहले क्या हुआ वो नहीं दिखा रहे आप लोग एक बोलते ना दूसरे की इज्जत उतार के आप पैसे कमा रहे हो। तो मैं इसमें कुछ बोलना चाहूंगी कि बिग बॉस के अंदर जो रियलिटी शो जो बताया जा रहा है ये सरासर गलत बात है। आपको दिन में दो बार लड़ने के लिए बोला जाता है, दो बार आपको बोला जाता है कि आप खुद सामने से दूसरे को गाली दे, और बोला जाता है कि आपका गाली का जो सेगमेंट है उसको काटा जाएगा, लेकिन वो काटा नहीं जाता है। यानी आपको नेगेटिव प्रोफाइल खुद बिग बॉस में बताया जाता है ताकि वो टीआरपी बढ़ाया जाए। और जिस तरीके से इनको गलत बताकर, जो मुझे बोल रहा था ना कि औकात बता, तेरी औकात बता, देख भाई तूने कल मेरे दिल से खेला, अब मैं तेरे दिमाग से खेलूंगा। और तेरे को जितनी ताकत लगाना है, जहाँ पे तेरे को पतंग उड़ानी है, तेरे को कबूतर उड़ाना है, सब उड़ा। और अभी देख ले टेढ़ा पठान क्या करता है। तेरे पास अल्लाह ने इज्जत दी, ताकत दी, शोहरत दी, किसी को जलील करने के लिए। जुबैर खान छोटा आदमी है। आया ना वीडियो तो मैंने कहा कि लोग मुझे दाऊद के दामाद के नाम से जानते हैं, बाबा खान के भतीजे के नाम से जानते हैं, हसीन आपा के दामाद के नाम। असल जुबैर कौन है वो बताने में बिग बॉस में आ रहा हूँ तो मैं दामाद नहीं। अरे नहीं हूँ, कहा मैंने बोला, मैंने ये बोला कि असली जुबैर कौन है वो बताने आ रहा हूँ। तो आप वो नेगेटिव लेके जा रहे हो, उस चीज को नेगेटिव क्यों लेके जा रहे हो। और उन्होंने मुझे डायलॉग दिए थे कि आपको ये पांच पांच लाइन बोलनी है, मुझे पता ही नहीं उन लोगों ने क्या लाइन दी। आज मैंने आके शाम में देखा, मैं ऑलमोस्ट 17-18 घंटा अनकॉन्शियस था। इन लोग इतने अनह्यूमन है बिग बॉस वाले, मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। जब कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है, जब किसी पर मेंटल टॉर्चर होता है, उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए। और मुझे लाज के गलत किया गया, ये सरासर गलत है। जब सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए ताकि वहाँ पे एमएलसी हो, एमएलसी होने से उसमें केस फाइल किया जाता है। बिग बॉस में वहाँ पे सरासर गलत किया गया है। बिग बॉस के ऊपर इस चीज के ऊपर सेक्शन केस फाइल किया जाना चाहिए, सलमान खान के ऊपर केस फाइल होना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने इनको मेंटली टॉर्चर किया है। पूरी दुनिया के सामने उसने मुझे बहुत कुछ कहा, मैं चाहता तो मैं उसको बहुत कुछ जवाब दे सकता था, मैं बहुत कुछ जवाब दे सकता था। उसने कहा है कि बाहर आने के बाद में बताएगा, तो ये यही खड़ा है, मुझे देखना है कि क्या बताएगा, बताए। मैं सलमान को ओपनली बोलता हूँ, तेरे को ऊपर से फोन आया कि तेरी फटी ना, तेरे को ऊपर से फोन आया तो तेरी फटती ही हमारी नहीं फटती भाई, समझा। मैं किसी का रिश्तेदार नहीं हूँ, वन मैन आर्मी हूँ और हम लोग एड़े लोग हैं। ऊपर से मतलब किसका, किसका जिसका नाम ले रहे हैं। तो तू वहाँ का खास होगा, तू वहाँ का चमचा होगा, हम लोग चमचे नहीं, हम लोग देश का नमक खाते हैं, हम गद्दारों के साथ नहीं है। हाँ सीधी सी बात है, अगर तेरे को दाऊद से फटती है मेरी नहीं फटती भाई।
हमको इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा भरोसा है, पुलिस के ऊपर, इंडियन पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है। मुझे बोलता है कि तुझे बच्चे चाहिए तो पुलिस के पास जा। अबे तेरे को बच्चे का क्या मालूम, मेरे बच्चे के लिए मैं पुलिस और कोर्ट में क्यों जाऊं? मैं अगर एक शो का हिस्सा लेके जहां पर मैं अपनी बीवी बच्चों को बोल सकूं कि भाई मैं तुमसे प्यार कर सकता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, आ जाओ वापस, तू कौन होता है मेरे को बोलने वाला? हाँ, तू शर्ट उतार के नाचता है तो तेरे को किसी ने बोला कि शर्ट उतार के नाच? मैं एजाज खान नहीं हूँ, मैं विवेक ओबेरॉय नहीं हूँ जिनको तू कुछ भी बोल लेगा। मैं तेरी आखिर तक तेरी बजाते रहूंगा, मैं तेरी बजाऊंगा, तू मेरी रिपोर्ट निकालो ना, तेरी रिपोर्ट तो